ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम वृत्तिक समाज कार्य का दर्शन। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। विषय विशेषज्ञ है डॉक्टर SR बिल्लोरे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम वृत्तिक समाज कार्य का दर्शन। आज प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का पहला भाग। दर्शन क्या है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम्, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। किसी भी क्रियाकलाप या वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जिस माध्यम से हम देख सकें उसे दर्शन कहते हैं। प्रिय छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे वृत्तिक समाज कार्य के दर्शन पर। तो दर्शन की व्याख्या, जैसा मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट किया, किसी भी वस्तु या आंदोलन या क्रियाकलाप के अगर वास्तविक रूप को आपको जानना है तो आपको उसकी आत्मा को अर्थात उसके दर्शन को समझना होगा। तो दर्शन, या यूं कहें कि किसी भी व्यवस्था प्रणाली जिसमें धर्म भी शामिल है या आंदोलन को यदि भलीभांति समझना हो, उसके सच्चे वास्तविक या मूल रूप को समझना हो, तो हमें उसके दर्शन को भलीभांति समझना होगा। आप तो जानते हैं हमारे देश में दार्शनिक चिंतन मनन का हजारों साल पुराना इतिहास है, जो पूरी दुनिया में प्राचीनतम माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर वर्तमान दार्शनिकों तक अनेकों मूलभूत प्रश्नों के उत्तरों की खोज होती रही है, हो रही है और होती रहेगी। जैसे मानव कौन है, वो कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको अपने आप को समझने के अलावा और क्या समझने की आवश्यकता है, उसके कष्टों के कारण क्या हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, दुनिया में इतनी समस्याएँ क्यों हैं इत्यादि। इसके साथ ही हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात का भी चिंतन किया कि क्या सुपर नेचुरल जैसी कोई चीज़ है, ईश्वर जैसी कोई चीज़ है, अगर है तो उसके और मनुष्य के बीच में संबंध क्या है, ये जीवन क्या है, ये दुनिया क्या है, मनुष्य का इस दुनिया में कर्तव्य क्या है, इत्यादि अनेक प्रश्नों का उत्तर हमारे दार्शनिक उन्होंने देने का प्रयास किया है, जो वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में हमको देखने को मिल सकता है। दर्शन न केवल धर्म का आधार है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक योजनाओं, प्रक्रियाओं तथा आंदोलन का भी मूल आधार दर्शन ही है। दरअसल इन सब में दर्शन का वही स्थान है जो किसी मोटर कार में पेट्रोल का होता है। दर्शन ही ऊर्जा का मूल स्रोत है। दर्शन जितना ठोस तथा सटीक होगा, वह आंदोलन भी उतना ही स्थायी तथा दूरगामी होगा। इसमें उदाहरण दे सकते हैं बौद्ध धर्म का। आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि अगर भिक्षु और बौद्ध धर्म के अनुयायी सही रास्ते पर चलते रहे तो बौद्ध धर्म हजारों साल तक भारत भूमि पर स्थायी रहेगा, लेकिन अगर मूल स्थान से अगर जरा भी हटे, जो आचार संहिता मैंने बनाई है, जो मूल सिद्धांत मैंने तय किए हैं, जो मूल्य तय किए हैं, अगर उनसे भिक्षु गण तुम हटे तो बौद्ध धर्म का विनाश 500 साल से भी कम समय में हो जाएगा। और इतिहास हमको बताता है कि ऐसा ही हुआ। भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी सत्य हुई, इसमें संदेह नहीं कि बौद्ध धर्म दूर दूर तक दुनिया में प्रचारित हुआ, लेकिन आज भारत भूमि में उसका अस्तित्व नगण्य ही है। तो कहने का मतलब ये है कि न केवल दर्शन की स्थापना जरूरी है, बल्कि उस दर्शन के जो अनुयायी
हो सकते हैं या होना चाहिए, उनको भी उस दर्शन के बताए हुए मार्ग पर ही चलना आवश्यक होता है। अब आइए दर्शन के स्वरूप पर कुछ चर्चा करें। दर्शन न केवल सकारात्मक होता है बल्कि नकारात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं तथा आंदोलनों का भी आधार दर्शन ही है। एक ओर जहां समाज के नवनिर्माण के एवं प्रगति के लिए गांधी दर्शन हमारे सामने है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गांधी जैसा सामाजिक चिंतक विचारक इस देश में बहुत लंबे समय से नहीं हुआ था। गांधी ने आकर के एक शून्य को भरा और जो चीज़ आज हमारे सामने गांधी दर्शन के रूप में उपस्थित है वह दुनिया में अद्भुत है, अपने ढंग की एक ही है। इससे प्रेरणा प्राप्त करके दुनिया के अनेक आंदोलनकर्ताओं जैसे नेल्सन मंडेला, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, ऐसे विचारकों और कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी गांधी से ही अपनी प्रेरणा ग्रहण की। यहाँ तक कि अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं ओबामा, उन्होंने भी गांधी के विचार दर्शन का आभार व्यक्त किया है। उनका यह कहना था कि मेरा जो विचार दर्शन है वह डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के दर्शन पर आधारित है, वही मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था कि दुनिया की सारी विचारधाराओं को छानने के बाद अंततः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गांधी दर्शन या गांधी विचार ही इस दुनिया को भविष्य को सुरक्षित रख सकता है, अन्यथा दुनिया विकास विनाश के कर्त पर निश्चित रूप से पहुंचेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी दर्शन हमारे सामने एक मिसाल है कि किसी भी सामाजिक आंदोलन दर्शन किस प्रकार का होना चाहिए। उदाहरण के लिए गांधी जी ने जो मूल्य हमारे सामने बताए उनसे कई लोग असहमत भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गांधी का चरम मूल्य था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं को अनावश्यक संग्रह न करना वस्तुओं का, लोभ से मुक्त रहना, ब्रह्मचर्य का पालन। ये सारे के सारे मूल्य जो गांधी ने हमारे सामने रखे वह उनके आंदोलन का आधार था। आंदोलन चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, ये सारे के सारे मूल्य उनके आंदोलन की बुनियाद बने। तो गांधी दर्शन का मुख्य आधार है मूल्य सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य इत्यादि। दूसरा, गांधी ने हमें जो सिद्धांत दिए वो भी उनके दर्शन को समझने की एक कुंजी हमको प्रदान करती है। और गांधी ने कहा कि अगर स्वराज्य लाना है, अगर समाज में समानता की स्थापना करनी है, समाज में प्रेम और भाईचारे की स्थापना करनी है, तो आपको इन मूल्यों के पालन के लिए जो रास्ते हमने तय किए हैं उन पर चलना ही होगा, अन्यथा आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। उसी तरह से गांधी ने अपने जो कार्यकर्ता थे उनके लिए एक बड़ी स्पष्ट आचार संहिता का निर्माण किया। उदाहरण के लिए गांधी ने कहा कि जो मेरे सत्याग्रह का सिपाही बनना चाहता है उसे खादी धारण करना पड़ेगी, खादी खुद बुनना और कातना पड़ेगा उसको, उसके अलावा उसे नशे से मुक्त रहना पड़ेगा, अपने व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए। ये सारे के सारे नियम गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए बनाए जिसको कि हम आचार संहिता के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, गांधी जी ने उन संस्थाओं के लिए भी नियम बनाए जो संस्थाएं गांधी के मार्ग पर चलने का दावा करती थी। इनमें खाद्य संस्थाएं थी, हरिजन सेवक संघ था, जनजाति सेवक संघ था, अनेकों संस्थाएं गांधी के प्रेरणा से स्थापित की गई और उनके लिए भी गांधी जी ने एक बड़ी स्पष्ट आचार संहिता का निर्माण किया। इसमें यहाँ तक बताया कि संस्था का संचालक और उसके कार्यकर्तागण किन नियमों का पालन करें और किन चीज़ों से दूर रहें। तो एक हमारे सामने एक आदर्श गांधी दर्शन है जिससे असहमत हो या सहमत हो, लेकिन उसकी स्पष्टता तो वास्तव में श्लाघनीय है, वास्तव में सराहनीय है। एक ओर तो हमारे सामने है गांधी का दर्शन और दूसरी ओर उन घोर असामाजिक तत्वों का दर्शन भी हमारे सामने है जिन्होंने मानवता के विनाश में भरसक प्रयास किया और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हुए। इसमें नाम तो अनेकों हैं, लेकिन इसमें शीर्ष के नाम पर हम कहना चाहेंगे हिटलर का, जिसकी सनक, जिसकी झक या जिसके गलत मूल्यों के कारण से दुनिया में लाखों लोग मौत के घाट उतारे गए। हिटलर के अलावा मुसोलिनी एक दूसरा डिक्टेटर हुआ जो भी हजारों या लाखों हत्याओं के लिए जिम्मेदार कहा जा सकता है। ईदी अमीन जैसे शासक, उनके भी अपने सोच था। और आज हिटलर के नाजीवाद के अलावा जो नक्सलवाद है या जो आतंकवाद है उनके पीछे भी कोई न कोई दर्शन है। तो ये हम उसे सहमत ना हों,
लेकिन ये दर्शन ही आंदोलन की मूल प्रेरणा होती है। आज नक्सलवाद या आतंकवाद जो दिन पर दिन हम बढ़ता हुआ देखते हैं, उसके पीछे भी कोई न कोई ठोस दार्शनिक आधार जरूर होना चाहिए और है भी। तो प्रिय छात्रों, जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो ये कहना होगा कि गांधीवादी समाज कार्य की तरह वृत्तिक समाज कार्य भी एक सकारात्मक सामाजिक प्रक्रिया है और आंदोलन है। तो स्वाभाविक है कि इसके भी दर्शन की हम बात करें। सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वॉल्टर ए फ्रीडलैंडर के अनुसार वृत्तिक समाज कार्य का मतलब उन वृत्तिक सेवाओं से है जिनका आधार है मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञान तथा कौशल। मैं इसको फिर से दोहराता हूँ, अपने पिछले चर्चाओं में भी इसका उल्लेख हम कर चुके हैं। वृत्तिक समाज कार्य क्या है? वृत्तिक सेवाओं की एक व्यवस्था, और ये वृत्तिक सेवाएं आधारित हैं मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल। और यहाँ फिर से हम स्पष्ट करना चाहेंगे, कई लोग ये मानते हैं कि विज्ञान तथा दर्शन में विरोधाभास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपने छात्र को मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करते हैं तो इसका आशय ये है कि वैज्ञानिक ज्ञान से व्यवस्थित हमको जानकारी मिलती है मनुष्य के बाह्य रूप के बारे में और उसके आंतरिक रूप के बारे में। बाह्य रूप में उसको जो क्रियाकलाप हैं, जैसे राजनीति है, विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, ये सारे के सारे उसके बाह्य प्रक्रियाओं के प्रकटीकरण के रूप हैं। और आंतरिक उसका जो अंश है, आंतरिक जो उसका रूप है, उसका दर्शन हमको मनोविज्ञान के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता का निर्माण करने के लिए हमको उसको ज्ञान देना होता है मानवीय संबंधों का, अर्थात उसका खुद से संबंध, अपने समाज के अन्य सदस्यों से संबंध। और इसके अलावा इन मानवीय संबंधों को किस प्रकार हम एक वांछित रूप में उनको ढाल सकें, इसके लिए हमको कौशल की भी आवश्यकता होती है। और ये कहना न होगा कि वैज्ञानिक ज्ञान का संकलित हम कैसे करें और इस कौशल को हम कैसे विकसित करें, इसके भी पीछे एक न एक दार्शनिक आधार जरूर है। और ये भी बताने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को कि इस वृत्तिक समाज कार्य का उद्देश्य है मनुष्यों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक संतोष एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करना। इसको भी हम थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि ये एक ऐसी सेवा है वृत्तिक समाज कार्य जो मनुष्यों के लिए खुद व्यवस्था नहीं करती, मानवों की सहायता करती है। किस बात में सहायता करती है? उनको संतोष प्राप्त हो। अब संतोष क्या चीज़ है, इसके लिए हमको दार्शनिक व्याख्या की आवश्यकता पड़ेगी। और संतोष यहाँ पर, जैसा कि हमने कहा आपसे, संतोष दो प्रकार का, एक व्यक्तिगत संतोष मनुष्य को चाहिए और दूसरा सामाजिक संतोष। व्यक्तिगत संतोष का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनके न्यायोचित ढंग से पूर्ति हो। और बुनियादी आवश्यकताएं कहने की आवश्यकता नहीं है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और मनोरंजन, ये पांच चीज़ें हर व्यक्ति को समाज में मुहैया होनी ही चाहिए। अब ये हर समाज की अपनी अलग अलग परिभाषा हो सकती है कि रोटी कैसी मिले उसको, कपड़ा कैसा मिले, मकान कैसा मिले। अमेरिका में इसकी अपेक्षा कुछ और होगी, अफ्रीका में इसकी अपेक्षा कुछ और होगी, भारत में इसकी अपेक्षा कुछ और होगी, लेकिन कम से कम मनुष्य का पेट भर जाए, उसके सर पर छत हो, उसको और उसके परिवार के लिए पहनने के कपड़े हों ढंग के, बच्चों को सही शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले और उनका स्वस्थ मनोरंजन हो, ये हमारा एक तात्पर्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, व्यक्तिगत संतोष से। ये क्यों नहीं प्राप्त होता है, ये भी दार्शनिक चिंतन का विषय है जो कि वृत्तिक समाज कार्य के दर्शन का ही एक अंग है। कारणों का विश्लेषण, कारणों की व्याख्या। दूसरा, सामाजिक संतोष। सामाजिक संतोष अर्थात हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि समाज में उसको एक अच्छा दर्जा प्राप्त हो, उसके समाज के जो अन्य सदस्य हैं उसके भूमिका को देखें, उसकी सराहना करें, समाज के विकास में, समाज के प्रगति में खुद भी अपना योगदान दे सके, वो भी एक सामाजिक संतोष का ही अंग है। उसके अलावा समाज के अपने साथियों को, अपने भाइयों बहनों को आगे बढ़ने में अगर वो मदद कर सकता है, उस हिसाब से भी उसको सामाजिक संतोष मिलेगा। समाज के जिस धार्मिक समूह का, जिस भाषिक समूह का, जिस आर्थिक समूह का वो सदस्य है, उस समूह के अन्य समूह से अच्छे संबंध हों, इससे भी उसको सामाजिक संतोष की प्राप्ति हो सकेगी। और इसके अलावा समाज उसकी योग्यता को देखते हुए, उसके गुणों को देखते हुए उसको जो दायित्व देता है उसकी भी संतोषजनक ढंग से पूर्ति हो,
उससे भी उसको और समाज को संतोष प्राप्त होगा, जो सामाजिक संतोष का ही अंग है। जहां तक स्वतंत्रता का सवाल है, ये हमने कहा फ्रिडलैंडर की परिभाषा के अनुसार कि वृत्तिक समाज कार्य मनुष्य को, व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त करने में भी सहायता देता है। अब देखिए अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है फ्रीडम। स्वतंत्रता उसका सही अनुवाद नहीं है। स्वतंत्रता का जो दायरा है वो फ्रीडम से काफ़ी व्यापक है। फ्रीडम में व्यक्ति पूरी तरह से बंधन मुक्त हो जाता है, लेकिन स्वतंत्रता में वो स्वतंत्र होता है, अर्थात अपने विवेक के अधीन होता है। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि विवेक ही नागरिक अंततः समाज का विनाश के ही कारण बनते हैं। तो व्यक्ति का विवेक जागृत हो, कैसे जागृत हो, इसका उत्तर भी हमको दर्शन में मिलता है। दूसरा, उस विवेक का व्यक्ति अपने लिए और समाज के कल्याण के लिए किस प्रकार से उपयोग करे, यह भी दर्शन ही हमको बताता है। उस विवेक का उपयोग अपने भले के लिए और समाज के भले के लिए। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य ये कि जो दो तीन बातें इस परिभाषा में हमको मिलती हैं, एक तो व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सही ढंग से क्यों नहीं हो पा रही आज के दुनिया में, इसके कारणों का विश्लेषण कैसे हो सकती है, इसके उपाय, फिर इस व्यक्ति को संतोष व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से कैसे प्राप्त हो सकता है, इसकी चर्चा, इसका विवेचन, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि उसको मदद मिले और व्यक्ति अपने विवेक के अधीन होकर के सारे कार्य करे, अर्थात स्वतंत्र हो हर तरह से, इसकी भी चर्चा दर्शन के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो इन उद्देश्यों को क्यों और कैसे प्राप्त किया जाए, यही हमारे प्रत्येक समाज कार्य का, प्रोफेशनल सोशल वर्क का दर्शन है, उसकी फिलॉसफी है। प्रिय छात्रों, जैसा कि अभी मैंने संकेत किया था, अगर आपको किसी भी सामाजिक प्रक्रिया या प्रणाली या आंदोलन के दर्शन की व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करना हो, तो आपको उस आंदोलन की, उस प्रक्रिया की तीन बातों की जानकारी प्राप्त करना होगी। यही तीन तत्व कहे जाते हैं किसी भी दर्शन के, चाहे वो सामाजिक दर्शन हो, चाहे राजनीतिक दर्शन हो, चाहे आर्थिक दर्शन। पहला तत्व है मूल्य, वैल्यूज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और मूल्य वैल्यूज क्या हैं, फेयर चाइल्ड की जो समाजशास्त्र की डिक्शनरी है, शब्दकोश है, उसमें बड़ी अच्छी छोटी संक्षिप्त और परिपूर्ण परिभाषा हमको प्राप्त होती है। उसमें लिखा है, व्हाट आर वैल्यूज, वैल्यूज आर सोशली डिजायरेबल गोल्स, अर्थात मूल्य क्या हैं, ऐसे लक्ष्य जिनको पूरा समाज या समाज का बहुसंख्यक भाग प्राप्त करना चाहता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, हम मुक्त हों बंधनों से, अनावश्यक बंधनों से मुक्त हों, ये समाज का हर व्यक्ति चाहता है। समानता, अर्थात समाज में विषमता समाप्त हो जाए, एक दूसरे से हम छोटे बड़े न कहलाएं। उसके बाद में एक मूल्य और है, वो है भ्रातृत्व का, भाईचारे का। हम समाज में एक दूसरे से मिलकर वैसे ही रहें जैसे कि एक परिवार में सदस्य रहते हैं। तो ये मूल्य आपको मिलेंगे हर प्रकार के आंदोलन में, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, या और कोई धार्मिक आंदोलन या धार्मिक कोई संप्रदाय। हर जगह आपको इन मूल्यों को आपको देखना होगा। और ये मूल्य कह सकते हैं उस दर्शन की जान है, उस आंदोलन की जान है, क्योंकि यही तो वो लक्ष्य हैं जिनके प्राप्ति के लिए वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है या वो आंदोलन किया जा रहा है, लोग उसमें लगे हुए हैं। तो पहली चीज किसी भी दर्शन को समझने के लिए आपको समझना होगा उस दर्शन के मूल्य क्या हैं, उस आंदोलन के मूल्य क्या हैं। तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि वृत्तिक समाज कार्य के दर्शन को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा वृत्तिक समाज कार्य के मूल्य क्या हैं, वो लक्ष्य कौन से हैं जिनके प्राप्ति के लिए पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में वृत्तिक सामाजिक कार्यकर्ता सक्रिय हैं। दर्शन का दूसरा तत्व होता है सिद्धांत या प्रिंसिपल्स। सिद्धांत को दूसरे रूप में आप ये भी कह सकते हैं, इट इज अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, अर्थात ये करो ये मत करो, जो करने योग्य हैं वो और जो न करने योग्य हैं वो। सिद्धांत एक तरह के हमारे मार्गदर्शक होते हैं कि उन मूल्यों की प्राप्ति के लिए हम कैसे चलें और किस रास्ते को छोड़ दें। और यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि सिद्धांत ही हैं, उस मूल्यों की प्राप्ति के तरीके ही हैं जिसकी वजह से हमारे धर्म और संप्रदाय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, आंदोलन एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। एक
लक्ष्य है समानता का। समानता का मूल्य गांधी दर्शन में भी मिलता है। गांधी ने भी कहा था कि समाज में कोई छोटा बड़ा न हो, कोई अमीर गरीब न हो, सब बराबर हों, समानता का मूल्य। और गांधी वाली जो आंदोलन है पूरा हिंसावादी आंदोलन है। इसके ठीक दूसरी तरफ नक्सलवादी आंदोलन, उसका मूल्य भी समानता ही है। नक्सलवादी भी ये दावा करते हैं कि हम समाज में जो कुछ कर रहे हैं वो समानता स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन देखिए वो समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों के तरीके कितने अलग अलग हैं। गांधी का रास्ता पूरी तरह से अहिंसा का रास्ता है, और जबकि नक्सलवाद को हिंसा से, मारकाट से, खून खराबे से परहेज नहीं है। लक्ष्य एक हैं लेकिन सिद्धांत दोनों के अलग अलग हैं। तो ये सिद्धांत ही हैं या तरीके ही हैं जो एक ही लक्ष्य की प्राप्ति में लगे लोगों के बीच में आपस में भेद उपस्थित कर देते हैं। तो हम भी ये देखेंगे कि हमारे वृत्तिक समाज कार्य के सिद्धांत क्या हैं, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। और किसी भी आंदोलन को समझने के लिए, उसके दर्शन को समझने के लिए तीसरा जो तत्व है वो है उस आंदोलन की नीति या आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या चीज है? फिर से उदाहरण लें हम गांधीवादी समाज कार्य का। और जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया था, गांधी ने अपने सत्याग्रहियों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने अन्यायों के लिए एक बड़ी स्पष्ट आचार संहिता का निर्माण कर दिया था। नक्सलवादियों की अपनी आचार संहिता है, हिटलर की अपनी आचार संहिता थी, इसको नीति संहिता शायद नाम देता हो, लेकिन वो पूरी रूप से अनीति संहिता थी। तो जो भी आंदोलन में लोग लगें उनका व्यवहार, उनका आचरण एक निश्चित तरीके से हो, इसीलिए आचार संहिताएं या नीति संहिताएं बनाई जाती। तो ये तीन चीजें, तीन तत्व, मूल्य, सिद्धांत और आचार संहिता हमको वृत्तिक समाज कार्य के दर्शन को पूरी तरह से समझने में मदद करेगी। अब आइए अब हम एक एक करके उन मूल्यों को लें जो वृत्तिक समाज कार्य के आधारभूत हैं। वृत्तिक समाज कार्य के मूल्यों में सबसे पहले जो मूल्य आता है, सर्वोच्च जिसको हम महत्व देते हैं, वो मूल्य है मानवीय गरिमा का, मानवीय महत्ता का, द डिग्निटी ऑफ मैन। देखिए अलग अलग धर्मों में मानवीय महत्ता का वर्णन किया गया है, और प्राय सभी धर्मों में कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर का अंश है, ईश्वर का सृजन किया हुआ एक वस्तु है उसकी। और जिस तरह से हम ईश्वर को नमनीय मानते हैं, उसी तरह से हमको मनुष्य को भी महत्व देना चाहिए। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वृत्तिक समाज कार्य में मानवीय गरिमा या मानवीय महत्ता का आधार कोई धर्म या कोई इस तरह का सिद्धांत नहीं है। मनुष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण केवल इसलिए है कि वो मानव है। हमारी संस्थाओं में जब कोई व्यक्ति हमसे मदद प्राप्त करने के लिए आता है, तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो अमीर है कि गरीब है, किस धर्म का है, उसकी चमड़ी का रंग क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो कौन सी भाषा बोलता है, वो किस देश या प्रांत का है। हम केवल ये मानते हैं कि वो मनुष्य है और इसीलिए हमारे आदर का पात्र है, इसीलिए हमारी सहायता का पात्र है। जिस प्रकार से डॉक्टर अपने पेशेंट को इस तरह से भेदभाव नहीं करता है कि किस धर्म का है, किस जाति का है, उसी तरह से हम लोग भी, प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता भी मनुष्य को केवल इसलिए महत्व देते हैं कि वह एक मानव है। और इसके साथ में एक दूसरा मूल्य जिसको कि हम बहुत महत्व देते हैं, वो मूल्य है समानता का। इसमें संदेह नहीं कि हाथ की पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती हैं, समाज में भी आपको विषमता देखने को मिलेगी, लेकिन यही तो हमारा उद्देश्य है, इस विषमता को जितना हो सके दूर किया जाए। अर्थात हम चाहते हैं कि समाज में जो विषमता है धन के कारण से वो दूर हो, समाज में जो विषमता है किसी खास कारणों से वो दूर हो। और यही विषमता है कि समाज में हमको एक तरफ तो बड़े बड़े पर्वत दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं। समाज में गरीबी, अशिक्षा और इस तरह की जो बुराइयां हैं, उनके मूल में भी ये विषमता ही है। हम ये चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से उसका महत्व स्वीकार किया जाए, समाज के संचालन में उसका भी बराबरी का अधिकार हो, उसकी आवाज़ सर्वोच्च स्तर तक सुनी जाए, उसको महत्व दिया जाए और उसके हिसाब से जो उचित निर्णय हैं वो लिए जाएं। तो समाज में किसी प्रकार की विषमता हमको मान्य नहीं है, चाहे विषमता धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, चमड़ी के रंग के आधार पर हो, या देश या प्रदेश के आधार पर हो। इसको हम विषमता को पूरी तरह से नकारते हैं, और समानता को प्राप्त करना भी वृत्तिक समाज कार्य का एक महान लक्ष्य है।
तीसरा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वह है स्वतंत्रता का। हम ये चाहते हैं कि मनुष्य सभी प्रकार के जो अनुचित बंधन हैं उससे मुक्त हो और पूरी तरह से अपने विवेक के अधीन होकर के कार्य करे। उसको निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। मनुष्य मिलकर के अपने देश के लिए निर्णय लें, उसमें किसी प्रकार के रोक टोक या बंधन नहीं होना चाहिए। और इसके साथ में ये भी हम मानते हैं कि हमारी किसी एक की स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक न बने, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का उपभोग तो करे ही, लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना होगा कि उसके इस मामले में कर्तव्य क्या हैं और कर्तव्य अर्थात दूसरों की स्वतंत्रता का भी आदर। तो इस तरह से जो आज भी हम देखते हैं नव साम्राज्यवाद अपने पैर पसार रहा है, नव उपनिवेशवाद अपने पैर पसार रहा है और धनी देश गरीब देशों को अपने शिकंजे में लेने के लिए षड्यंत्र पूर्वक कार्य कर रहे हैं, इसका भी हम भरपूर विरोध करते हैं पूरी तरह से। और हम चाहेंगे कि स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्मसिद्ध अधिकार है, व्यक्ति भी उसका उपभोग करे, राज्य भी उसका उपभोग करे और पूरी मानव जाति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र हो। और चौथी जो हमारी जो लक्ष्य मंजिल है, चौथा जो लक्ष्य हमारा जो मूल्य है वो है गुणवत्ता का या क्वालिटी का। इससे आशय क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता, उत्तमता। हम लोग ये मानते हैं कि समाज में जो संकट, जो तकलीफें, जो कष्ट, जो बुराइयां जो देखने को मिलती हैं वो अवांछनीय है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मानव जीवन कष्ट भोगने के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य को पूरा अधिकार है अपने जीवन का उपभोग करने का, जीवन का आनंद लेने का, अपने अधिकारों का उपभोग करने का और अपने कर्तव्यों के पालन करने का। तो ये गुणवत्ता हम लाना चाहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। और हम समाज में जो कष्ट हैं, जो बुराइयां हैं, जो संतरास है, उसको पूरी तरह से दूर करना चाहते हैं। और हमें मानते हैं कि जिस तरह से स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरह से आनंद का उपभोग भी मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बिल्कुल अवांछनीय है कि मनुष्य जन्म लेकर के कष्ट सहता रहे और उसको आशा की और आनंद के किरण भी उसको दिखाई ना दे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे इन चार मूल्यों की चर्चा की जो वृत्तिक समाज कार्य के आधार हैं, अर्थात गरिमा, मानव की गरिमा, डिग्निटी ऑफ मैन। दूसरा है समानता अर्थात इक्वालिटी, हर तरह की इक्वालिटी। तीसरा है स्वतंत्रता, फ्रीडम। और चौथा है गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी ऑफ लाइफ। इन प्रमुख चार गुणों को प्राप्त करने के लिए, इन प्रमुख चार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज कार्य अपने ढंग से सक्रिय है पूरे विश्व में। अगली वार्ता में हम वृत्तिक समाज कार्य के दर्शन के दूसरे अंगों का विवेचन करेंगे। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम वृत्तिक समाज कार्य का दर्शन। आज आपने इसका पहला भाग सुना। विषय विशेषज्ञ और व्याख्यानकर्ता थे डॉक्टर एस आर बिल्लोरे। उद्घोषिका थी पूर्वा शर्मा। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।